अब अगर आपने विटामिन ए नहीं खाया बेटा कैरोटीन वाली चीजें नहीं खा रहे हो अपनी डाइट में है ना आप खा रहे हो पिज्जा बर्गर सैंडविच ये सब मोमोज ये खा रहे हो इसका मतलब आपके बॉडी में बीटा कैरोटीन नहीं आ रहा इसका मतलब अगर बीटा कैरोटीन नहीं आ रहा तो आपके बॉडी में रोडोप्सिन नहीं बन रहा और रोडोप्सिन नहीं बन रहा तो भाई कुछ दिनों के बाद किसमें इन रोड सेल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी और रोड सेल्स में प्रॉब्लम होगी तो भाई किसमें प्रॉब्लम आएगी आपके विजन में आपकी जो देखने की शक्ति है उसमें प्रॉब्लम आएगी और कैसी प्रॉब्लम आएगी तो धीरे 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 आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा अगर आपके बॉडी में क्या होगी डेफिशिएंसी होगी किसकी डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए जब, जब विटामिन की कमी होगी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा अब विटामिन ए की कमी होगी तो क्या क्या बीमारी हो जाएगी सबसे पहला बीमारी होगा नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा होगा नाइट ब्लाइंडनेस होगा जिसे हम कहते हैं रतौंधी मतलब आपका विजन है वो कमजोर हो जाएगा आपने आपकी दृष्टि कमजोर दूसरा बीमारी अभी भी आप नहीं संभले अब फिर भी आप विटामिन ए के प्रोडक्ट सही से नहीं खा रहे हो आपके बॉडी में फिर भी विटामिन ए की कमी होती जा रही है कमी होती जा रही है तो आपको दूसरा एक बीमारी देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है जीरोप्थैलमिया क्या कहा जाता है जीरोप्थैलमिया क्या होता है वो सुन लो इसमें आपकी आंखों में सूखापन आ जाता है आपकी आंखों में खुजली होने लग जाती है ईचिंग होने लग जाती है ड्राइनेस आ जाती है आपकी आंखों के अंदर और आप सारा दिन ऐसे मसलते रहते हो आपकी आंखें और धीरे धीरे आपकी आंखों के अंदर इतनी ज्यादा एलर्जी टाइप हो जाती है आपके आंसू बनना बंद हो जाते हैं और आपकी आंखों के अंदर इंफेक्शन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है आपकी आंखें लाल कलर की हो जाती है तीसरा बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है कोरोनियल जीरोसिस ियल जीरोसिस इसके अंदर क्या होता है तो आपकी जो कॉर्निया होती है इसके आगे मेमरीन सी आ जाती है झिल्ली सी आ जाती है जिसकी वजह से आपको चीजें ब्लर दिखना शुरू हो जाती हैं क्लियर नहीं दिखते हैं